बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, माई सेल्फ मुनीबा रहमान एंड यू आर वॉचिंग कुकिंग इज़ माई पैशन। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे अपना सदर का एक्सपीरियंस। मैंने एम्प्रेस मार्केट की वीडियो में डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि हम सदर जा रहे थे बेसिकली, तो आज के वीडियो में आप लोगों को सदर और बंस रोड की क्लिप्स देखने को मिलेंगी। बहुत ही बेहतरीन काम हुआ हुआ है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप भी सदर और बंस रोड को देखकर एंजॉय कर सकें। तो ये देखिए, संजय दर साहब जो है हमारे बराबर वाले रिक्शे में जा रहे थे। सो एम्प्रेस मार्केट से निकलने के बाद सामने वाली स्ट्रीट पर हम चले गए थे, वहाँ से हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, मतलब सनग्लासेस एंड किचन टूल्स थोड़े बहुत हमने लिए थे, और फिर हम आ गए थे गलियों गलियों घूमते घूमते यहाँ निम्को कॉर्नर पर। ये सबसे पुरानी दुकान है और इसके हम लेफ्ट साइड वाली स्ट्रीट के अंदर चले गए थे। तो इनके निम्को कॉर्नर वालों का जो है वो इवनिंग स्नैक्स का आइटम भी मौजूद था, जिसमें आपको रोल, आलू के समोसे, हीमे के समोसे, पकौड़े, शामी कबाब, यानी कि बहुत सी डिफरेंट आपको इवनिंग स्नैक्स के आइटम मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ से कुछ खाने पीने का सामान लिया था और फिर हम खाते पीते जो है वो जिस मकसद के लिए आए थे हम उस काम को करने चले गए थे। देन हम चले गए थे विंडो शॉपिंग के लिए। तो मैं इस शॉप पर ज़रूर आती हूँ जब भी मैं सतर जाती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ट्रक आर्ट को रिफ्लेक्ट करने वाले कितने हसीन हसीन आर्ट पीसेज यहाँ मौजूद हैं। गिफ्ट आइटम्स हैं ये बेसिकली, आप चाहें तो इसे डेकोरेशन आइटम्स के तौर पर भी अपने घर पर सजा सकते हैं। ये यहाँ पर तांबे और अल्मीनियम के बने हुए डिफरेंट एनिमल्स स्टैचूज थे और साथ ही साथ बर्तनों के सैंपल्स भी यहाँ मौजूद थे, जिस पर टूल्स को इस्तेमाल करते हुए क्राफ्ट वर्क किया हुआ, यानी कि इसको खोद खोद कर जो है ये डिज़ाइंस और डिटेलिंग्स बनाई गई थी। ट्रेस मौजूद थे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे ये देखिए वॉल हैंगिंग प्लेट्स मौजूद थी, सॉर्ड्स मौजूद थे जिस पर भी बहुत खूबसूरत काम हुआ हुआ था। इसके अलावा और भी डिफरेंट वेराइटी थी इनके पास। यहाँ पर आप लोगों को जो है ये देखिए एनिमल स्टैचूज मिल जाएंगे डिफरेंट टाइप के, अगर आपने ड्राइंग रूम को जो है थोड़ा लग्जरियस तरह से डेकोरेट करना चाहते हैं तो। उसके अलावा यहाँ आपको फ्लावर वाज मिल जाएगा, सुराही मिल जाएगी, ये देखिए वुडन ट्रे है जो कि ट्रक आर्ट को रिफ्लेक्ट कर रही है, साथ ही साथ ये सिंधी कल्चर को भी रिफ्लेक्ट कर रही थी। ये ईरान से इंपोर्ट किए हुए ज्वेलरी बॉक्सेस थे जिस पर ईरानी पेंटिंग्स हुई हुई थी, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही डिटेल्ड काम था, ये डिफरेंट शेप्स में थी डिफरेंट कलर्स में थी, बहुत ही हसीन। इसको भी मैं आगे इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यहाँ ये देख रहे हैं कीचेन होल्डर्स हैं, ये वॉल हैंगिंग के तौर पे भी आ सकते हैं। ये क्लॉक थी, इस पर भी ईरानी पेंटिंग हुई हुई थी। इनके पास वुडन ज्वेलरी बॉक्सेस भी मौजूद थे, उसकी वैरायटी भी मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये देखिए पेंटिंग हुए हुए ज्वेलरी बॉक्स, ये देखिए वुडन ज्वेलरी बॉक्स में यहाँ पेंट किए हुए भी ज्वेलरी बॉक्स थे, और ऐसे ज्वेलरी बॉक्स भी थे जिनके ऊपर क्राफ्टिंग की गई थी, इनकी खुदाई करके और उन पर डिज़ाइंस और मोटिव्स बनाए गए थे। छोटे छोटे प्याले मौजूद थे यहाँ पर, कटोरियाँ मौजूद थी जिनके ऊपर बहुत ही खूबसूरत काम हुआ हुआ था, जैसा कि आप यहाँ इसमें देख सकते हैं। मॉन्यूमेंट्स मौजूद थे जिसमें मोहाटा पैलेस, बादशाही मस्जिद, फैसल मस्जिद और इस तरह के डिफरेंट मशहूर जगह बनी हुई थी। और ये देखिए मैंने कहा था ना ये डिटेल्ड वर्क हुआ हुआ है तांबे और अल्मीनियम के डिफरेंट बर्तनों पर और जानवरों पर, तो ये देखिए कितना खूबसूरत काम हुआ हुआ है। इसके अलावा मैं एक और सैंपल भी आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए ये है हिरन और इस पर भी बहुत ही खूबसूरत काम हुआ होता है। इसके अलावा यहाँ कीचेंस बहुत ही प्यारी प्यारी मौजूद थी, कुछ स्टोन्स की बनी हुई थी और कुछ इस तरह की थी। देखिए कितना छोटा छोटा सा ऑब्जेक्ट है और उस पर कितना खूबसूरत डिटेल्ड काम हुआ हुआ है। और ये इनके पास डिफरेंट चाकू थे जो कि मैंने शुरू में आप लोगों को दिखाए थे, और ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के थे इनके पास, बहुत ही प्यारे लेकिन बहुत ही शार्प थे। सो ये देखिए बच्चों वाला घर था तो हमने पसंद तो बहुत आए, इरादा भी बना लिया लेकिन फिर बच्चों की वजह से डर के मारे दोबारा रख दिया। तो ये वॉल हैंगिंग्स से यहाँ पर कुछ इस तरह के वॉल हैंगिंग्स में थे, और एक वैरायटी इनके पास ये भी थी कि यहाँ आप ये देखिए इस पर छोटे छोटे सिंधी कढ़ाई के पैटर्न्स पेस्ट हुए हुए थे और बर्तन थे। उसके अलावा जब हम यहाँ से बाहर निकले थे तो एक स्टॉल था पूरा कंप्लीट, जिस पर आपको बहुत ही हसीन ज्वेलरीज देखने को मिलेंगी। इसमें आपको जो है वो बहुत ही ट्रेडिशनल, यानी कि जो आजकल तुर्किश ड्रामास में आ रहे हैं वो लोग ज्वेलरी यूज़ कर रहे हैं टियारा एंड स्टोन्स के बने हुए रिंग, तो यहाँ पे आपको पेशावर का कल्चर भी मिलेगा, तुर्किश कल्चर भी मिलेगा, स्टोन वर्क्स वाले भी मिलेंगे। यहाँ पर आपको अल्मीनियम और तांबे के जेवर भी मिलेंगे, बड़े बड़े कड़े आप यहाँ देख सकते हैं, तो बहुत ही हसीन यहाँ पर जेवर मौजूद है। अगर आप ज्वेलरी के शौकीन हैं तो ज़रूर आइए। सदर से काम ख़त्म कर लेने के बाद हम अब जा रहे हैं बंस रोड, तो यहाँ हम बाहर आ गए थे। यहाँ इस चौरंगी पर बहुत खूबसूरत काम हुआ है, एक नया जो है वो एक बनाया गया है, ये रहा यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक नई चौरंगी बनाई गई है बहुत ही प्यारी, तो मैंने इसे भी आप लोगों के लिए शूट कर लिया था। अब हम आ गए हैं बंस रोड। SM कॉलेज, DJ कॉलेज और लॉ कॉलेज के बीच में जो चौरंगी थी जो कि रात के वक्त काफ़ी खौफनाक लगती थी, उस पर बहुत ही बेहतरीन काम हो गया है। अब ये फैमिलीज़ के लिए एक तरह से पार्क बना दिया गया है, एक आउटिंग प्लेस बना दी गई है। ये जो जगह मैंने आप लोगों को भी दिखाई थोड़ी देर पहले, ये बेसिकली अंडरग्राउंड पार्किंग है, बेसमेंट पार्किंग है जहाँ आप अपनी गाड़ी को पार्क कीजिए
और देन आप लिफ्ट पर आराम से ऊपर आइए और इस जगह को इंजॉय कीजिए। बेंचेस लगाए हुए हैं, लाइटिंग हुई हुई है बहुत अच्छी सी, रिमोट कंट्रोल कार है यहाँ पर बच्चों के लिए जिसे आप बैठ के बच्चे इंजॉय कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर खाने पीने के डिफरेंट आपको केबिन्स मिलेंगे जहाँ आपको चाय, कॉफ़ी, शेक, जूसेस, इनफैक्ट अगर आप देसी खाना चाहते हैं यानी बिरयानी वगैरह, या अगर आप फास्ट फूड खाना चाहते हैं तो वो सब चीज़ें भी यहाँ आपको आसानी नज़र आएगी। ये वॉल मुझे बहुत पसंद आई थी क्योंकि ये कराची की मुख्तलिफ मशहूर जगहों को एक साथ रिफ्लेक्ट कर रही थी, यानी एक दीवार पर आप बहुत सी डिफरेंट खूबसूरत जगहों को कराची की देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर फेयर हॉल आपको नज़र आ रहा होगा, उसके नीचे ये चर्च है सदर का, SM कॉलेज है यहाँ पर जो बैक पे बिल्डिंग है, उसके सामने ट्रेन चल रही है क्योंकि यहाँ से कैंट स्टेशन करीब है। देन ये ऊपर वाली पेंटिंग जो है वो म्युनिसिपल पार्टी का जो दफ्तर है उसकी है, और नीचे वाली मोहटा पैलेस की है। ये है यहाँ पर SM कॉलेज। SM कॉलेज जो है वो इस पार्क से नज़र आता है, इस जगह से नज़र आता है। लॉ कॉलेज भी इस जगह से आराम से नज़र आता है क्योंकि चौरंगी जो है वो बीच की है और उसी पे सारा काम हुआ हुआ है। ये देखिए फाउंटेन बना हुआ था जिस पर LED लाइट सी कलर चेंज कर रही थी, तो बच्चे यहाँ बहुत इंजॉय कर रहे थे। हम बहुत थक गए थे तब तक, तो मैंने पीना कोलाडा ले लिया था और इन्होंने जूस ले लिया था, और हम जो है वो पीते हुए इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे। प्रॉपर ट्रैक बनाया हुआ है, जो लोग अंदर नहीं आना चाहते, पार्क में नहीं आना चाहते, तो यहाँ ट्रैक के ज़रिए आराम से चौरंगी को क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े फासले पर बेंचेस लगाया हुआ है, यानी कि प्रॉपर प्राइवेसी का ख्याल भी रखा हुआ है। यहाँ सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, हर जगह आपको गार्ड्स नज़र आएंगे। सफाई का बहुत बेहतरीन इंतज़ाम था, यानी कि स्वीपर्स भी घूम रहे थे, प्लस हर थोड़े थोड़े स्टेप्स के बाद आपको डस्टबिन नज़र आ रहे होंगे। लाइटिंग बहुत अच्छी हुई हुई थी, यानी बहुत ज़्यादा भी नहीं थी और बहुत कम भी नहीं थी। छोटे छोटे केबिन्स बने हुए थे वहाँ पर कि अगर आप छोटी सी पार्टी करना चाहें, प्राइवेट पार्टी, यानी कि अगर आप बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं या कोई दावत करना चाह रहे हैं पर्सनल, तो आप वो भी आराम से कर सकते हैं। ये यहाँ का मेन एंट्रेंस था, लेकिन लाइट इस वक्त यहाँ की जल नहीं रही थी, तो कम रोशनी में मैं जिस तरह से आप लोग के लिए रिकॉर्ड कर सकी लेकिन मैंने किया। तो यहाँ देखिए बहुत खूबसूरत बना हुआ था, इस वक्त इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा। देन वहाँ से निकल जाने के बाद हम आ गए थे बंस रोड की फूड स्ट्रीट। ये सेकेंड बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन काम हुआ है। भाषानी और फ्रेस्को के बिल्कुल अपोजिट वाली जो रोड थी, यानी ये जो रोड जा रही है इसके बिल्कुल अपोजिट वाली रोड जो थी, उसको पूरा सील कर दिया गया है बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड्स को बैरियर लगा के बंद कर दिया गया है। एंड उसके अंदर जो है वो पूरी फूड स्ट्रीट बना दी गई है। इसके अंदर जो है ना रक्शे हैं, ना आपको कार मिलेगी, ना बसेस मिलेंगी, बाइक वाले फिर भी चले जाते हैं, लेकिन ये देखिए ट्रेन है बहुत ही प्यारी कलरफुल सी, मल्टी कलर में, जिसमें बड़े बूढ़े बच्चे सब बैठ सकते हैं। उसके अलावा रिमोट कंट्रोल कार है इसके अंदर जो चल रही है, और फैमिली जो है वो यहाँ पर इंजॉय कर रही है। जैसा कि मैंने एम्प्रेस मार्केट की वीडियो में कहा था कि बंस रोड की एक स्ट्रीट ऐसी है जहाँ आपको पुरानी इमारतों का भरमार नज़र आएगा, तो ये वही स्ट्रीट है। यहाँ आपको राइट और लेफ्ट दोनों पर पुरानी इमारतें नज़र आ रही होंगी। इसे रेनोवेट किया गया है, रिफर्निश किया गया है, लेकिन इसका लुक ख़राब नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ इस पर मल्टी कलर की लैंप्स लगा दिए गए थे। ये लाइट नहीं था, बहुत ही प्यारा फैंसी फैंसी से लैंप्स लगे हुए थे। स्ट्रीट पोल्स को भी बहुत ही खूबसूरत लुक दिया गया है विद डिफरेंट कलर्स। तो ये देखिए दोनों साइड पर जो है वो बहुत ही हसीन बिल्डिंग्स आपको नजर आएंगी जो एक डिफरेंट एरा को रिफ्लेक्ट कर रही होंगी। प्लस यहाँ बलून्स वाले थे, खिलौने वाले थे, ताकि छोटे बच्चे जो हैं उनके दिल बहलाने को भी सामान यहाँ मौजूद हो। आपको राइट लेफ्ट पर दोनों जगह डिफरेंट होटल्स नज़र आएंगे, छोटे बड़े मशहूर और नए बने हुए, हर तरह की चीज़ें यहाँ आपको बिकती हुई नज़र आएंगी। खाने की मज़ेदार खुशबू आपको अपने इर्द गिर्द नज़र आएगी, फुल मून था, और प्लस ये खूबसूरत सी लाइटिंग, पुरानी इमारतें, आपको ऐसा लग रहा था जैसे आप किसी और एरा में आ गए हों। सो हम चले गए थे फूड सेंटर, वहाँ से हमने जो है वो बाहर बैठ के डिनर इन्जॉय किया था क्योंकि इनडोर अभी अलाउड नहीं है कोरोना की वजह से। देन हमने दिल्ली रबड़ी से रबड़ी ले लिया था, ये बहुत पुरानी दुकान है दिल्ली रबड़ी शॉप। और उसके बाद हम आ गए थे हमारे फेवरेट बम्बे पान शॉप पर। यहाँ बहुत मज़े का पान मिलता है, लाइक हम जब भी बंस रोड आते हैं यहाँ से पान ज़रूर लेते हैं, बहुत मज़े का पान होता है और हम इंजॉय करते हैं राजा साहब। जब मैं छोटी थी तो वो पान में जो है नारियल भरा हुआ वो मीठा पान जो होता था हमें से वही खाने को मिलता था, लेकिन अब क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं तो कभी कभी ये वाली अय्याशी कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छी आदत नहीं है, नहीं खाना चाहिए, लेकिन समटाइम्स कोई वो बुराई नहीं है। तो हमने यहाँ से पान इन्जॉय किया था और देन हम घर के लिए रवाना हो गए थे। आई होप कि मेरे साथ घूमने में आप लोगों को मज़ा आया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।